Hey guys, a very good morning to all of you. I am Gulapsa, your mentor, and I welcome you all to the session called RBI 247. I hope you all are doing good and preparing well for phase 2 of RBI Grade B exam. But before getting started with today's session, there is a piece of information for you guys. In case if you have not downloaded our app, you can do so by going on to the Google Play Store any exam related updates live video sessions monthly magazines daily quizzes topper strategies and even past year papers all these features are available at one place that is our app anujindal.in so let's get started so the first question on the screen says what are the instruments that facilitate purchase of goods and services financial services remittance facilities etc against the value stored therein called the options are a e-wallet gift voucher cash-loaded cards prepaid payment instruments and advance payment cards so if you're aware then the technical jargon or a te technical name for such an instrument which is where a value is stored in them is known as prepaid payment instruments

इन केस इफ़ यर सिटिंग एन अ फीडर बस और योर टेकिंग अ डी डी सी बस देयर ऑल्सो दिस मेट्रो कार्ड इज एप्लीकेबल तो इन सब जगहों पर आप इस टू हंड्रेड रुपीज़ को जो वैल्यू इसमें स्टोर है इसको आप यूज़ कर पा रहे हो राइट right? तो so, ये एक तरीके का प्री पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है मतलब इसके अंदर कैश ऑलरेडी लोडेड है द वैल्यू इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन इट एंड इन केस ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कार्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कार्ड दिस फैसिलिटीज़ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप किसी भी प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज परचेजिंग ऑफ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंडस वो भी आप कर सकते हो एनी टाइप्स ऑफ रेमिटेंसेज फैसिलिटीज़ अगर आपको किसी को पैसे भिजवाने हैं राइट तो आप इस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उनको भिजवा सकते हैं पैसे तो ऑल दिस फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड इन अ सिस्टम इन एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स कार्ड अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट एंड सर्विसेज, कंडक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इट ऑल्सो एनेबल रेमिटांसिस टू आर फैमिली मेंबर्स अगेंस्ट द वैल्यू दैट इज स्टोर एक वैल्यू स्टोर हो जाता है एंड देन वी कैन यूज दैट वैल्यू टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज परचेजेस और फाइनेंशियल सर्विसेज अब इसको इशू कौन करता है तो दिस कैन बी इशूड बाय अ बैंक और बाय अ नॉन बैंक वॉट आर नॉन बैंक दिज आर कंपनीज नॉन बैंक बेसिकली एन बी एफ सीज होती हैं विच आर कंपनीज दिज आर कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट राइट और ये ऐसा नहीं कि खुद ही खुद अपने आप आप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू कर दोगे फॉर दैट यू नीड टू रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ आर बी आई आर बी आई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इन केस अ बैंक इज इशूंग अ पी पी आई एंड इफ ए नॉन बैंक एंटिटी वॉन्स टू इशू अ पी पी आई देन इट हैज टू टेक ऑथराइजेशन फ्रॉम आर बी आई और यह सब प्रायर होने चाहिए इशू करने से पहले यूनिट टू हैवनिट टू टेक द अप्रूवल इन केस इफ यू आर अ बैंक एंड ऑथराइजेशन इन केस इफ यू आर अ नॉन बैंक फ्रॉम आर बी आई आरबीआई रेगुलेट करता है वाई दस आर बी आई रेगुलट दिस प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑब रीजन बिकॉज आर बी आई इजेड विदर सेक्शन सब सेक्शन टू ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ टू थाउजेंड से इस एक्ट के द्वारा आर बी आई इज एंटाइटल्ड टू इशू एनी टाइप ऑफ डायरेक्शन बेड मास्टर डायरेक्शन ऑन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे वट विल बी इट्स टाइप्स एज वेल एज कितना वैल्यू आप इसमें लोड कर सकते हो वॉट इज द कैश लोडिंग फैसिलिटी इन सब फैसिलिटीज इन सब डायरेक्शन इन सब के रिगार्डिंग अगर कोई डायरेक्शन इशू कर सकता है दैट इज आर बी आई एंड आर बी आई इज द वन हु गोइंग टू रेगुलेट एज वेल एज सुपरवाइज दिस पी पी आई आई होप दिस इज क्लियर टू यू अब पी पी आई कैसे हो सकते हैं अगर कोई बैंक इशू करता है पी पी आई इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ फिजिकल कार्ड जैसे हमें डेबिट कार्ड मिलते हैं राइट सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ फिजिकल कार्ड जस्ट लाइक आर डेबिट कार्ड और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ ई वॉलेट ई वॉलेट अगर अगर आप यूज करते होंगे देन दे आर ई वॉलेट सच एज पेटीएम पेटीएम का ई e वॉलेट है देन वी हैव एमेजॉन वॉलेट एज वेल राइट तो बैंक क्या कर सकती है ये अपना एक खुद का एप लॉन्च कर सकती है मोबाइल ऐप थ्रू दिस ऐप इट कैन हैव अ वॉलेट थ्रू विच इट कैन स्टोर वैल्यू नॉन एज पी तो फिजिकल भी हो सकता है और ई वॉलेट के थ्रू भी हो सकता है राइट तो पी पी आई कैन बी इशूड बोथ फिजिकली एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिकली और इसके अंदर यू कैन स्टोर द वैल्यू जिसको आप यूज कर सकते हो टू मेक एनी काइंड ऑफ परचेजेस बी इट ऑफ हाउस होल्ड नेचर और ऑफ फाइनेंशियल नेचर ठीक है जो भी इशूअर होगा हुई दिस इंस्ट्रूमेंट द इशूअर कैन ओनली टेक पेमेंट फ्रॉम इट फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा मान लो सपोज मेट्रो कार्ड है मेट्रो कार्ड को आप किसी रेस्टोरों में यूज नहीं कर सकते राइट इट इज ओनली लिमिटेड टू अटन प्लेस कि आप उसको मेट्रो में यूज कर सकते हो दैट टू इन डेली मेट्रो अगर आप यूपी वाले जो एक्वा लाइन वाला मेट्रो है वहां पर आप इसको यूज नहीं कर सकते एंड इन सम फीडर बसेस विच आर लिंक टू दिस मेट्रो तो इन कार्ड्स को हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम पी पी आई ठीक है क्योंकि आप इसको बाकी जगह यूज नहीं सकते नहीं कर सकते बाकी मर्चेंट्स के पास यूज नहीं कर सकते ऑल्सो सिंस आप बस जो इशू कर रहे हैं उसके यहाँ ही यूज कर पा रहे हैं इसको क्लोज सिस्टम पीपीआई बोलते हैं क्योंकि इसको आर रेगुलेट नहीं करता सिंस इट इज नॉट रेगुलेटेड बाई आर बी आई वाई इट इज नोन एज अ क्लोज सिस्टम पी पी आई एंड इन सच अ केस कैश विदड्रोवल्स आर नॉट परमिटेड अगर आप अपने सपोज आपके मेट्रो कार्ड में रुपीज टू थाउजेंड है तो आप उसके अगेंस्ट कैश टू थाउजेंड रुपीज नहीं ले सकते राइट यू विल नॉट बी गेटिंग कैश अगेंस्ट योर मेट्रो कार्ड रिचार्जेस राइट तो इसलिए जो क्लोज सिस्टम पी होते हैं तीन फीचर्स हैं राइट फर्स्ट फीचर इज right? जो इशू करता है द इशूअर ओनली अंडरटेक्स ट्रांजेक्शन विद द होल्डर ऑफ द कार्ड सेकेंडली कैश विदड्रोवल इज नॉट परमिटेड आप कैश विदड्रो नहीं कर सकते एंड थर्ड आर बी आई डज नॉट सुपरवाइज

नाम से ही क्लियर है द स्मॉल पी पी आईज दैट इज द मिनिमम डिटेल पी पी आईज आ वंस जहाँ पे इश, जो होल्डर होगा पी पी आई का पी पी आई कार्ड होल्डर द पी पी आई कार्ड होल्डर की ज्यादा डिटेल्स मैक्सिमम डिटेल्स आर नॉट नॉट अवेलेबल टू द इश्योअर इशूअर के पास ज्यादा डिटेल्स नहीं होते इस होल्डर के

uh or search, certain merchants or their establishments which are linked to the issuer bank right issuer bank or the uh, company the non-bank finance company so all those merchant banks or establishments which are linked or which are connected to the issuer issuer banks or issuer uh, company विद दैट ओनली दिस ट्रांजेक्शन कैन हैपन वहाँ पर ही आप इस पी पी आई को यूज़ कर सकते हो अदरवाइज दिस कार्ड इज ऑफ नो यूज़ तो इसकी लिमिटेड यूज़ है एंड जस्ट बिकॉज यहाँ पर के वाई सी डिटेल पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं की गई है फुल के वाई सी इज नॉट प्रोवाइडेड एंड इनकेस ऑफ स्मॉल पी पी आई कैश विदड्रोवल फैसिलिटी इज नॉट अलाउड यहाँ पर आप कैश लोड कर सकते हो बट आप इस पी पी आई के अगेंस्ट कैश विदड्रॉ नहीं कर सकते राइट यू कैन नॉट गो टू एन ए टी एम टू विद्रो द कैश अगेंस्ट द अमाउंट दैट इज स्टोर्ड इन दिस पी पी आई आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल्सो इन केस ऑफ स्मॉल पी पी आई ये भी अब दो तरह के हैं फर्स्ट अप टू रुपीज टेन थाउजेंड इफ यू आर एबल टू लोड अप टू रुपीज टेन थाउजेंड ठीक है दिस इज वन टाइप ऑफ स्मॉल पी पी आई एंड द अदर इज ऑल्सो अप टू रुपीज टेन थाउजेंड बट हियर कैश लोडिंग फैसिलिटी कैश लोडिंग फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड ठीक है दे आर टू टाइप्स अप टू रुपीज टेन थाउजेंड इन बोथ केसेस यहाँ पे कैश लोडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी बट यहां पर नहीं किया जाएगा राइट सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू द नेक्स्ट वन इज फुल केवा सी पी पी आई फुल केवा सी पी पी आई में इट हैज बीन इशूड टू दीपीआई होल्डर ओनली आफ्टर द फुल के वाई सी ऑफ द पर्सन इज डन के वाई सी स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर उनका पूरा के वाई सी हुआ है जस्ट इन केस जब आप बैंक अकाउंट भी खुलवाते हो वहाँ पर भी आपकी फुल के वाई सी की जाती है सिमिलरली वाइल्ड इशूइंग सच कार्ड्स आपकी फुल के वाई सी की जाती है एंड दिस कार्ड हैज़ अ मोर यूज इट हैज मोर यूज देन द स्मॉल पी पी आई आप इसको बहुत जगह यूज कर सकते हो इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ मर्चेंट्स एज वेल एज एस्टेब्लिशमेंट्स एंड लोकेलिटीज वेयर यू कैन यूज दिस पी पी आई कार्ड आपके यहाँ पे पैसे ऑलरेडी लोडेड होंगे आप बस इस कार्ड के अगेंस्ट आप गुड्स एंड खरीद सकते हो अगर आप चाहो तो आप फाइनेंशियल सर्विसेज की ट्रांजेक्शन कर सकते हो राइट एंड वन मोर फैसिलिटी दैट इज़ प्रोवाइडेड अगेंस्ट द फुल के वाई सी पी पी आई इज़ दैट इसकी अगेंस्ट आप अगर कभी फंड ट्रांसफ़र करना चाहो दैट इज़ अगर आप किसी को रेमिटांसिस भेजते हो राइट right? इफ़ Sending remittances to any of your family members, you can do so. Apart from that, if you want to withdraw any cash, you can also do that, right? Cash withdrawal facility is available if you have a full KYC PPI. I hope this is clear to you. Moving forward to the next question. The question says Which of the following payment solution provider recently became the first RBI licensed? पी पी आई द सेम पी पी आई दैट इज द प्री पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट टू लॉन्च कैश विदड्रोवल एक्रॉस ऑल ए टी एम्स थ्रू देयर ई वॉलेट अब ऐसा इनमें से कोई एक एन बी एफ सी मान लीजिए एक एन बी एफ सी है अब पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है दैट हैज लॉन्च दैश विदड्रोवल फैसिलिटी अगेंस्ट इट्स ई वॉलेट जो उसका ई वॉलेट है उसकी अगेंस्ट यू कैन विद्रॉ कैश अगेंस्ट ऑल ए टी एम्स थ्रू आउट द कंट्री सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी ओमनी कार्ड इफ़ यू आर फॉलोइंग द न्यूज देन न्यूज में आया था कि ओमनी कार्ड हैज़ लॉन्च हैज़ बिकम द फर्स्ट आर बी आई लाइसेंस्ड पी पी आई हुज लॉन्च द कैश विदड्रोवल फैसिलिटी थ्रू ए टी एम्स आप किसी भी ए टी एम पर जाके कैश विड्रॉ कर सकते हो बाई यूजिंग देयर ई वॉलेट अगर आपके ई वॉलेट में पैसे हैं देन यू कैन विदड्रॉ इट राइट मूविंग फॉर्वर्ड न्यूज़ देख लेते हैं as i have mentioned it has launched a cash withdrawal facility for any atm kisi throughout india pan india mein kahin bhi you can withdraw the cash also uh, why has omnicard all of a sudden come up with this cash withdrawal facility just because rbi has recently issued and has allowed नॉन बैंक एंटिटीज जितने भी नॉन बैंक लाइसेंस्ड एंटिटीज थी उनको अलाउ किया है इट हैज़ परमिटेड देम कि आप कैश विद्रोवल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो अर्लियर पहले बैंक्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड था राइट द पी पी आई सेट वी हैव डिस्कस्ड राइट फुल के वाई सी पी पी आई यहाँ पे कैश विद्रोवल फैसिलिटी अवेलेबल था ना द सेम फैसे इज़ नाउ बीग अवेलेबल टू नॉन बैंक लाइसेंस्ड एंटिटीज

अगर आप कैश विद्रोअल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो देन वॉट इज द बेनिफिट दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर्स राइट द बेसिक बेनिफिट द मेन बेनिफिट विच इज़ प्रोवाइडेड टू द कस्टमर इज ऑफ कन्वीनियंस आपको अपना कार्ड कैरी नहीं करना पड़ेगा इन एंड फॉर दैट मैटर आपको अपना यू पी आई भी कैरी अपना डेबिट uh, कार्ड भी नहीं कैरी करना पड़ेगा यू कैन जस्ट लोड द अमाउंट इन योर ओमनी कार्ड वॉलेट एंड अगेंस्ट दैट वॉलेट यू कैन विजिट एनी ए टी एम एंड देर बाई यू कैन विदड्रॉ कैश द सेकेंड बेनिफिट इज दैट देर विल बी फुल सिक्योरिटी फ्राम एनी काइंड्रॉड्स बहुत तरीके के फ्रॉड्स होते हैं फ्रॉड सचेज कार्ड स्कीमिंग आपकी कार्ड चोरी हो जाती है समटाइम्स पीपल मेक अ कापी ऑफ योर कार्ड राइट कार्ड क्लोनिंग भी होते हैं राइट कार्ड क्लोनिंग कार्ड स्कीमिंग और पिन डुब्लिकेशन आपकी पिन चोरी हो जाते हैं राइट द सेक्रेट पिन जो आपके पास होने चाहिए समटाइम्स इट गेट्स इट गेट्स मिसप्लेस एंड दे आर चांसेस की दे आर फ्रॉड्स एंड मनी इज बींग डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट ऑल दिस सिक्योरिटी इश्यूज विल नॉट हैपन सच फ्रॉड्स विल नॉट हैपन विस विद्रोवल ऑफ कैश फ्रॉम द डिजिटल कार्ड राइट और ये जो फैसिलिटी है द फैसिलिटी ओमनी कार्ड इज प्रोवाइडिंग ऑफ कैश विद्रोवल इट इज बींग प्रोवाइडेड बाय बी इन पार्टनरशिप विद एन पी सी आई एन पी सी आई दैट इज नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया ना वॉट इज द लॉजिक बिहाइंड एन पी सी आई ज्वाइनिंग ऑमनीकार्ड देर इज वन ऑब्वियस रीजन दैट जो ओमनी कार्ड कार्ड्स होंगे दे विल बी रूपे बैक ठीक है ये रूपे पावर्ड कार्ड होंगे ठीक है एंड एज वी नो रूपे इज़ अ पार्ट ऑफ एन पी सी आई ओननी तो इसको प्रमोट करने के लिए सो दैट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज थ्रू विच यू कैन विदड्रॉ कैश थ्रू विच बैंकिंग फैसिलिटीज कैन बी अवेल्ड एन पी सी आई हैज कम फॉरवर्ड टू पार्टनर विद ऑमनी कार्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू विद दिस फैसिलिटी ठीक है और आपको पता होगा कि एन पी सी आई अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज ऑल्सो लॉन्च सेवरल अदर फैसिलिटीज सच एज एन एस सी एच हैव राइट ऑल ऑफ दिस आई हैव एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियोज विच यू कैन वॉच ठीक है इस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना एंड दिस आर इम्पॉर्टेंट एज आई वॉज गोइंग थ्रू द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एज वेल और फेज टू में इन्होंने सीधा सीधा इसकी फुल फॉर्म्स पूछ लिए हैं राइट सो दिस आर इम्पोर्टेंट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड देम इन माई प्रीवियस वीडियोज आप प्लीज़ लिस प्ले लिस्ट को चेक कीजिए और वहाँ से इसको कवर कर लीजिएगा राइट एंड टॉकिंग अबाउट ओमनी कार्ड उसका फाउंडर कौन है संजीव पांडे इज द फाउंडर ऑफ दिस कार्ड एंड दिस कंपनी इज रन बाय नोएडा बेस्ड एरोड टेक्नोलॉजीज एंड ओमनी कार्ड इज ए रुपे पावर्ड प्रीपेड कार्ड अगर आपके पास रुपये पावर्ड प्रीपेड ओमनी कार्ड है देन यू कैन विदड्रॉ कैश एट एनी ए टी एम सो दिस वॉज इन द न्यूज़ आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू एंड माई ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रिपीटिंग इट वंस और ट्वाइस इज जस्ट बिकॉज कि आपको वो दिमाग में रहे सो दैट इट इज़ क्लियर एंड इट गेट्स फिटेड इन योर हेड एक बार पढ़ के कई बार ऐसा होता है वी टेन टू फो इट राइट बट एक चीज़ को अगर हम दो या बार या तीन बार रिपीट करते हैं अलॉन्ग विथ मी Then this will be more clearer to you. I hope this is clear to you. Moving forward to the next question, the question says recently, that is in June 2022, which of the following bank has announced rupees two dollar two fifty million lending support to high growth tech led startups in India? The options are HSBC Bank, Citibank, Deutsche Bank, United Overseas Bank Limited, and Standard Chartered Bank. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन द बैंक विच इज अनाउंस दिस लैंडिंग सपोर्ट इज नन अदर दैन एच एस बी सी बैंक राइट एच एस बी सी स्टैंड फॉर हॉन्गक एंड शंघाई बैंक बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड राइट ये एक फॉरन बैंक है तो जो इसकी इंडियन एंटिटी है इट हैजंस इट इज गोइंग टू लैंड यूएसडी टू फिफ्टी मिलियन टू स्टार्टअप इन दंट्री एंड वाई आर दे लैंडिंग जस्ट बिकॉज सो दैट द स्टार्टअप कल्चर जो जो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में नहीं हो पा रहे हैं इन ऑर्डर टू रिवाइव द इकोनॉमी सो दट मोर स्टार्ट सो दैट देर इज मोर कंजम्शन इन द इकोनॉमी एच एस पी सी हैड इन ऑर्डर टू सपोर्ट इन ऑर्डर टू सपोर्ट द्स एंड दैट टू कौन से स्टार्टअप्स को ये हेल्प करेगा ओनली दो स्टार्टअप दैट आर हाई ग्रोथ एंड टेकलेड दैट आर टेक्नोलॉजी लेड स्टार्टअप्स इन इंडिया उनको सपोर्ट करने के लिए एच एस बी सी हैज अनाउंस दैट इट इज गोइंग टू लेंड डॉलर टू फिफ्टी मिलियन डॉलर टू हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी सपोर्टेड स्टार्टअप इन इंडिया कब करेंगे वैन विल बी द डिस्पर्जल हैपन इसके बारे में उन्होंने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है वी डोंट नो वेन दिस स्कीम विल भी एक्चुअली डिसबर्स टू दटप्स हाउ एवर इट हैजाउंस इट इज गोइंग टू डू सो एंड वंस इट इज अनाउंस इट इज इट विल शोरली गोइंग टू डू सो एंड हु ऑल विल भी एलिजिबल इसके अंदर भी कौन एलिजिबल होंगे ऑल द स्टार्टअप हु आर इन दी ग्रोथ स्टेज एज वी ऑल नो कि जब भी कोई कंपनी या फॉर देट मैटर कोई भी प्रोडक्ट आती है देन देर इज द इंट्रोडक्शन स्टेज राइट आपकी एक इंट्रोडक्शन स्टेज होती है देन यू हैव द ग्रोथ स्टेज इंट्रोडक्शन होती है

दैन अ मेचोरिटी स्टेज जहाँ पे यू आर नॉट हैविंग लॉसेस बट योर जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो रही है एट अ डिक्लाइनिंग रेट बट योर ओवरऑल प्रॉफिट इज पॉजिटिव दिस इज योर मेचोरिटी स्टेज एंड फाइनली देर इज योर डिक्लाइन स्टेज राइट सो दिस इज दिस इज द लाइफ साइकिल दैट स्टार्टअप ऑफ देट मैटर आ प्रोडक्ट फॉलोज राइट तो ये जो लैंडिंग सपोर्ट फैसिलिटीज है दैट एच एस बी सी इज गोइंग टू प्रोवाइड

वे बाई इट इट विल प्रोवाइड सर्विसेज सो दैट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज ऑफ दिज स्टार्टअप आर मेट रेंजिंग फ्रॉम ग्रोथ स्टेज टू इट्स यूनिकॉर्स राइट ताकि वो एक यूनिकॉर्न बन जाए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी एट द ग्रोथ स्टेज दिस इज इम्पॉर्टेंट ग्रोथ स्टेज के जो भी स्टार्टअप्स होंगे उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी फॉर दैट मैटर एच एस बी सी हैज अनाउंसड

मैंशनड द टाइम फ्रेम कि कब डिस्बर्सल होगा लोन का नाउ वाई आर दे लैंडिंग और आपने देखा होगा न्यूज में कि कई बार बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं बैंक्स हैं डोज वो आर प्रोवाइडिंग दोज वो प्रोवाइडिंग विथ लेंडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडिंग विद्डस टू दी स्टार्टअप और टू दी एम एस एम सो वन मेजर रीजन इज आर इकोनॉमी इज नॉट रिवाइविंग जितना हमें चाहिए उतना रिवाइव नहीं कर रही है दे आर कंसर्नस की स्टैक्फ्लेशन हो सकती है राइट right? इन्फ्लेशन तो इंक्रीज हो ही रहा है इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग एनॉर्मसली बट विथ इन्फ्लेशन आर इकोनॉमी इज बिंग स्टैगनेंट इट इज नॉट ग्रोइंग राइट एंड ऐसे रिजल्ट हमारा जो रियल रिटर्न है द रिटर्न जो आपको आपके बैंक अकाउंट पे भी मिल रहा होगा सेविंग्स अकाउंट पे वो अभी नेगेटिव है बिकॉज आर सपोज सेविंग्स पे यू आर गेटिंग फोर परसेंट रिटर्न बट जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है इट इज़ अराउंड सेवन परसेंट सेवन पॉइंट जीरो परसेंट, राइट रिटेल इन्फ्लेशन सी पी आई बेस्ड इन्फ्लेशन इज सेवन पॉइंट जीरो फोर परसेंट दिस इज नॉमिनल रेट द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वी आर गेटिंग एज नेगेटिव, माइनस अराउंड माइनस थ्री है इकोनॉमी द लार्ज कारपोरेशम लैंड इन टाइम्स वैन the focus is on increasing the debt needs increase focus on startups debt needs and startups do require funds right if and also as per the policy that rbi has taken whereby it is trying to suck the excess liquidity thereby loans are being uh, very much difficult for the startups to take right so in order to provide the facilities and in order to meet the debt needs of these startups

फेसिंग डिफिकल्टी वाइल्ड रेजिंग फंड्स एंड उनको डिफिकल्टी क्यों हो रही है नॉट जस्ट बिकॉज की उनका प्रॉफिट अच्छा नहीं आ रहा है और दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इट इज बिकॉज दैट द इन्वेस्टर्स हु वॉन्ट्स हु आर इन्वेस्टिंग इन दीज स्टार्टअप आर ससेप्टिबल है ना दे आर कैप्टिकल दे आर कैप्टिकल एंड बिकॉज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटीज जो अनसर्टेनिटीज चल रही हैं मार्केट में दे आर कैप्टिकल वेद Whether this will be prolonged or whether it is going to take a long time or whether their money will not get, uh, will not get stuck out here, right? So, in order, in order to be, they are trying to act uh, adverse, right? एक तरीके से खुद को बचाना चाह रहे हैं एंड दैट्स फाइ दे आस्क टफ क्वेश्चन अबाउट द स्टार्टअप सस्टेनेबिलिटी वेदर इन द लॉन्ग रन द स्टार्टअप विल बी सस्टेनेबल और नॉट एंड वेदर द इन्वेस्टर विल बी गेटिंग प्रॉफिट इन रिटर्न एंड दे ड्यू टू दिस कैप्टिबिलिटी दे आर नॉट फंडिंग द स्टार्टअप्स एंड एस ए रिजल्ट द स्टार्टअप्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रेज फंड दिस इज नॉन एज द फंडिंग विंटर ये कंसेप्ट बार बार आएगा आईव जस्ट एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट इन वेरी लेम इन टर्म ताकि आपको उसके पीछे का बेसिक आइडिया पता चल जाए राइट सो द मेन रीजन इज टू दिस लैंडिंग कम्स एट अ टाइम वेन देर हैज बीन एन इंक्रीज फोकस ऑन स्टार्टअप दैट फंड एंड ऑल्सो कंसर्न दैट फंडिंग विंटर विल इम्पैक्ट द इक्विटी फंडिंग टू द सेक्टर so moving on to the next question the question says which of the following platform launched instant credit line facility on whatsapp using its ai powered chat capability so it is none other than cash e cash has recently launched the instant instant credit line facility whereby agar aap bas apna naam provide kar doge this is the only input that is required you will be provided with instant क्रेडिट लोन क्रेडिट फैसिलिटी एंड दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड ट्वेंटी फोर बाई सेवन सो कैश ई इज़ द कंपनी इट इज प्रोवाइडर, द फाइनेशियल प्रोवाइडर एंड इट हैज़ बिकम द फर्स्ट फिनटेक फर्म फिनटेक फर्म टू ऑफर सच सच एन इंस्टेंट क्रेडिट लिमिट विदाउट द नीड ऑफ एनी डॉक्यूमेंटेशन कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है कोई फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है आपको राइट यू नीड नॉट फिल एनी फॉर्म यू डी नॉट फिल फिल एनी फॉर्म एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद द इंस्टेंट क्रेडिट ओनली इंफॉर्मेशन दी ओनली इनपुट दैट इज रिक्वायर्ड इज़ योर नेम राइट एंड कैशी इज यूटिलाइजिंग इट्स ए आई पावर चैट कैपेबिलिटी एंड थ्रू व्हाट्सएप वाई दे आर यूजिंग व्हाट्सएप बिकॉज व्हाट्सएप

दिस इज़ दी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऑफ कैशी वहाँ पे आपको हाई लिखना है एंड देन इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट अगर आपने कहीं से ऑनलाइन ऑर्डर भी करते होंगे थ्रू जोमेटो ऑल्सो वहाँ पे भी ये चैट बॉर्ड की फैसिलिटी होती है जब भी आप कुछ ऑर्डर करते हों द डिटेल्स आर प्रोवाइडेड हेयर कि आपका ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है या इट इज स्टिल कुकिंग और वेदर द डिलीवरी बॉय हेज अराइव्ड और इन वॉट टाइम द प्रोडक्ट विल रीच टू यू सिमिलरली कैशी हैज़ यूज दिस फैसिलिटी टू प्रोवाइड इंस्टेंट लोन टू दस्टमर्स अब किन कस्टमर्स को मिलेगी ऐसा नहीं कि किसी को भी मिल जाएगा इट इज ओनली फॉर द सैलरीड पर्सन ठीक है ओनली फॉर द सैलरीड पर्सन सैलरीड पर्सन को ये लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी एंड यू नीड नॉट एंड यू जस्ट नीड टू बुट हाई ओवर देयर एंड दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड ट्वेंटी फोर बाई सेवन एंड लोन इज प्री अप्रूव्ड इन जस्ट वन मिनट एक मिनट के अंदर आपको लोन अप्रूव कर दिया जाएगा एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद दी लोन अमाउंट ठीक है एंड नेम इज दी ओनली क्रुशियल इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड हियर ऑल्सो जब कैश ई इज वेरी कॉन्फिडेंट कैश ई इज वेरी कॉन्फिडेंट विथ दिस बिकॉज ड्यूरिंग द बीटा टेस्टिंग ऑफ दिस सर्विस इट फाउंड जीरो Uh, zero near zero delays in approving the credit limits for KYC compliant customers okay? and by this by this cashier is trying to leverage the user, the user base which is already there on the whatsapp it is trying to make use of the user base so that it can have more customers to lend loans and thereby make profit for itself and who is the founder and chairman? So it is V Raman who is the founder and chairman of Cash e. So this was all for today. I hope you liked the session. If you want a free PDF of today's session, then you can join our Telegram group. All free PDFs as well as any announcements regarding the classes and other things are provided on this uh, channel itself. So thank you so much. In case of any query, you can write to us.